दोस्तों वेलकम बैक टू तनुजा बुटीक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ नया है वो इसलिए क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन वर्क है एक साइड दिया गया है। अब हम इसको कैसे कटिंग करें ताकि ये दोनों पैरों में इसकी मोहरी में ये डिज़ाइन आ जाए, तो ये कटिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम कटिंग करना सीखेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसको अगर वीडियो को सही तरीके से देखेंगे तो आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये 2 मीटर कपड़ा है, मैं आपको नाप कर भी दिखा दूँगा। देखें यहाँ पर ये 39.5 इंच में आ रहा है एक साइड, यानी 2 मीटर कपड़ा हमने लिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं वही दिखाऊँगा जो सही रहेगा, इसमें आपको कम ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँगा। देखिए कुछ लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर जो कटिंग करते हैं इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो वाला जो हिस्सा है वो कली में ऊपर चला जाता है और ये वाला हिस्सा सिर्फ एक ही मोहरी में रह जाता है, इसलिए हमें इस तरीके से कटिंग नहीं करना है। जो इसका सही तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले कपड़े को एक साइड इस तरीके से बिछा लेना है। ये दोनों डिज़ाइन एक ही साइड आना चाहिए। उसके बाद में हमें एक बार और दोबारा इसको यहाँ से ऐसे रखना है। दोस्तों इस तरह की जो वर्क वाली सलवार रहती है इसमें 4 कली कटिंग करना होती है, इसमें 2 कली नहीं कटेगी, आप इसका ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी लंबाई 37 इंच मुझे तैयार रखना है और इसकी जो मोहरी है वो 13 इंच तैयार रखना है। अब इसमें हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, 37 में 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे और इसमें हम 6 इंच कम कर देंगे, यानी 37 ने 38 और 6 इंच हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी 32 इंच की हमें यहाँ पर कटिंग करना है। आपकी लंबाई कितनी भी है वो आसानी से आ जाएगी, आपकी लंबाई में सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है आपको सिलाई के लिए और उसमें 6 इंच बेल्ट के लिए कम कर देना है। यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें कली के लिए जो ऊपर वाला कपड़ा है यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे जैसे हमने पहले इसको बिछाया था। ये 4 परत में हमने इसको बिछा लिया है और हमें इस कपड़े को नीचे निकाल देना है ना, आप इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो नीचे वाला बचा हुआ कपड़ा हम इसमें बेल्ट में यूज़ करेंगे। और इसका मैं घेर बताना चाहूँगा, घेर भी काफ़ी अच्छा रहा है इसमें, 22 से 23 इंच तक इसका घेर आ रहा है। अब हम इसकी जो मोहरी है जितनी भी मोहरी रहेगी उससे हम आधा करेंगे, यानी 13 का हमने 6.5 इंच लिया है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद में हम आसन का निशान लगाएंगे। दोस्तों आसन के लिए हम 6 इंच ऊपर छोड़ देंगे, जो मैंने पहले आपको बताया कि बेल्ट लेंगे तो 6 इंच छोड़ने के बाद आप आसन यानी लटक के लिए 15.5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगाऊँगा, आप इससे आपके मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों और भी मैंने वीडियो बनाए हैं सलवार कटिंग, पेंट कटिंग, कुर्ती कटिंग के, आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो कली है हम इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस वाले हिस्से की भी हम कटिंग कर लेंगे, एक ओपन था और एक क्लोज था। ये इस प्रकार से हमने कलियों की कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे इस बचे हुए कपड़े में। आपका कितना भी बड़ा बेल्ट है आसानी से इसमें कटिंग हो जाएगा। देखिए बेल्ट कटिंग करने का एक तरीका होता है, जितना भी अगर आपका हिप है उसमें आप आधा करिएगा और 6 इंच उसमें प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं 34 इंच इसका हिप था, मैंने उसका आधा किया 17 इंच और 6 इंच प्लस कर दूंगा। यहाँ पर 21 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पर 3 इंच बाद में जोड़ दूंगा, मुझे यहाँ पर 23 इंच कंप्लीट रखना है। देखिए यहाँ पर हमने 6 इंच जो बेल्ट के लिए रखा था उसमें हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नेफे के लिए, जिसमें हम नाड़ा डालते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जॉइंट के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे।
देखिए दोस्तों, ये इसकी कटिंग हो गई। अब इसकी हम रुमाली कटिंग करेंगे, यानी मियानी कटिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी सलवार की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं, यानी सिलाई देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले कपड़े की में खोलना है, उसकी कलियाँ हम इसमें ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके बाद में आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। देखिए, हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपको उल्टे सीधे कपड़े का निशान लगा लेना है, फिर इस कली को ऐसे रखना है और ऐसे करना है। दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, मैंने इसमें दोनों में लगा ली सिलाई, और इसका जो एक और वाला हिस्सा है उसमें भी मैंने इसी तरीके से दो कली जोड़ लिए। अब हमें यहाँ पर रुमाली रखना है इस प्रकार से। दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, इसको ऐसे रखना है, यानी जो डिज़ाइन वाला वर्क है हमें नीचे मोरी में आना चाहिए। दोनों को हम नीचे कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद में हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले बेल्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में आपको प्लेट लगाना बताऊंगा। देखो, बेल्ट के लिए जो हमने ये कपड़ा काटा था जॉइंट के लिए, वो मैंने यह कपड़ा जोड़ लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेफे के लिए कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन आपको 6.5 इंच तैयार रखना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 इंच तैयार रहेगा, 0.5 इंच इसमें सिलाई में नीचे चला जाएगा। यानी 6.5 इंच का आपको बेल्ट ये इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर 20 सेंट करके एक हम कट लगा लेंगे। देखिए, इसमें प्लेट डालना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। आप अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप सभी प्रकार के सलवार में इस तरीके से प्लेट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला हिस्सा रहता है उसमें आप 1 या 2 सल लगा सकते हैं, यानी 1 या 2 सल इसमें डालना है हमें। ये हमने यहाँ पर 2-2 सल यानी 2-2 प्लेट लगा दी है। यहाँ पर हम 20 सेंटर करेंगे। 20 सेंटर करने के बाद में यहाँ पर हम दोनों साइड चौक का निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने इसलिए लगाया है कि अब हमें जो इस निशान के आगे वाले हिस्से तक ही सल लगाना है। ये वाला बीच वाला हिस्सा हो गया है। कैसे लगाना है, ऐसे रखना है हमें, और इसको इस साइड ऐसे इस तरीके से लगाते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक लगा लेना है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा हो तो आप उसमें बड़े बड़े सल लगा सकते हैं। और इसको इस साइड से लगाना है, इसको इस साइड से लगाना है, दोनों का आमने सामने इसका मुँह रहेगा, है ना। कहाँ तक लगाना है, यहाँ तक का, जहाँ तक कि हमने दूसरा निशान लगाया था। देखिए, मैंने ये लगा दिए इस प्रकार से। इसमें अगर आपका बेल्ट छोटा या बड़ा पड़ता हो, अगर आपका छोटा पड़ता हो तो आप उसके हिसाब से 1-1 सल खोल सकते हैं, बड़ा हो तो आप 1-1 सल और लगा सकते हैं। देखिए, बेल्ट हमें ऐसे रखना है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट लगा लिया है मैंने। अब हमें इसकी मोरी तैयार करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मोरी रखना है। मोरी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली थी कैनवास में, कोई सा भी कैनवास यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें दोनों में मोरी बना ली है, और यहाँ पर हम साइड सिले लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको उलट लेंगे। ये हमारी सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। और भी वीडियो देख सकते हैं आप, एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।